कहो निर्मल भैया, कपार पर हाथ रख के का बैठे हो? वीडियो सीडियो बनाने की हिम्मत छोड़ गई है का? हिम्मत हिम्मत की बात ना करना दद्दू। हिम्मत की बात तो बिल्कुल मत करना दद्दू। हिम्मत की बात बिल्कुल नहीं करना। हिम्मत तो मेरे नस नस में भरा है, हिम्मत तो मेरे रोए रोए में भरा है। मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला तो इस धरती पर कोई हो ही नहीं सकता। और अगर कोई है, कोई मिल जाए आपको मुझसे ज्यादा हिम्मती, तो कमेंट करके बताना। कमेंट करके बताना मुझसे ज्यादा हिम्मती कोई मिल जाए तो। हिम्मत की बात मत करना दद्दू। अभी कल शाम की घटना ले लो, कल शाम की घटना आप सुन लो और फिर उसके बाद निर्णय कर लेना कि मुझसे ज्यादा कोई हिम्मती हो तो मुझे बताना। हुआ का भैया, रात में मैं अपने घर में एकदम बिंदास सोया हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल बिंदास सोया हुआ था कि अचानक से मेरी नींद खुल गई। कहे खुल गई? मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे घर का दरवाजा खोल रहा है। वास्तव में घर का दरवाजा खुला, दरवाजा खुला, खड़क, दरवाजा खुला, कोई मेरे दरवाजे को खोल रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो खोल रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो खोल रहा है, मैं देख रहा हूँ। फिर भी मेरी हिम्मत देखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। आखिर में वो दरवाजा खोला और अंदर घुसने लगा। मुझको समझते देर नहीं लगी कि हो ना हो ये कोई चोर ही होगा। क्यों? क्योंकि इतनी रात को किसी के घर में आने की तो कोई संभावना है नहीं। अब चोर ही तो घर में आएगा रात में। अच्छा, क्या हुआ मामला? चोर ने दरवाजा धीरे से खोला और दरवाजा खोल करके अंदर घुसने लगा। वो घुस रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो घुस रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो घुस रहा है, मैं देख रहा हूँ। फिर भी मेरी हिम्मत देखो, फिर भी मेरी हिम्मत देखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। हुआ क्या, चोर धीरे धीरे घर के अंदर आ गया। अब घर के अंदर जो कीमती सामान पड़े हुए थे उनको सबको समेटने लगा, सबको समेटा। वो समेट रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो समेट रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो समेट रहा है, मैं देख रहा हूँ। फिर भी मेरी हिम्मत देखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। आखिर में सारा सामान उस चोर ने समेट लिया, जो कीमती कीमती सामान था। और क्या था ना, ये बड़ा सा चद्दर लिया था, ऐसे चद्दर उठाया और चद्दर बिछाई लिया, चद्दर बिछाया और चद्दर पे सारा कीमती सामान रख लिया। वो सारा सामान चद्दर पे रख के और गठरी बांध रहा है। वो बांध रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो बांध रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो बांध रहा है, मैं देख रहा हूँ। और फिर भी मेरी हिम्मत देखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। जी हाँ, होता क्या है, चोर गठरी को वहीं छोड़ा और धीरे धीरे मेरे बीबी के कमरे की तरफ जाने लगा। अब चोर तो समझ रहा है कि सब लोग रहे हैं सो, चाहे जो करे, लेकिन मैं तो रहा था जाग। मैं तो सब कुछ रहा था देख, मुझको तो सब था पता। चोर धीरे धीरे मेरी बीवी के कमरे की तरफ बढ़ा। अब मैं भी बड़ा होशियार, मैं भी धीरे से बिस्तर छोड़ा और चोर के पीछे हो लिया। वो कमरे के अंदर, मैं कमरे के बाहर दरवाजे की ओट में खड़ा हुआ देख रहा हूं कि बंदा कर क्या रहा है। चोर धीरे धीरे मेरी बीवी की तरफ बढ़ने लगा। वो बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं। वो बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं। वो बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं। और फिर भी मेरी हिम्मत देखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। चोर धीरे धीरे मेरे बीवी के बिल्कुल बिल्कुल करीब पहुंच गया। हाँ जी, बिल्कुल करीब पहुंच गया और मेरी बीवी के हाथ के कंगन निकालने लगा। जी हाँ, हाथ के कंगन निकालने लगा। वो कंगन निकाल रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो निकाल रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो निकाल रहा है, मैं देख रहा हूँ। फिर भी मेरी हिम्मत देखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। धीरे धीरे चोर का हौसला बढ़ा और उसने मेरे बीवी के हाथ के कंगन, कान की बाली, नाक की नथनी और पांव के पायल सब निकाल लिए। अरे वो निकाल रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो निकाल रहा है, मैं देख रहा हूँ। वो निकाल रहा है, मैं देख रहा हूँ। फिर भी मेरी हिम्मत देखो। मैंने उसको कुछ नहीं बोला। चोर ने सारा जेवर मेरी बीवी के शरीर से उतारा, छोटी सी पोटली बांध लिया। अब मैं
देख रहा हूँ कि उसने सारा काम निपटा लिया है, तो मैं भी बड़ा होशियार, मैं धीरे से दरवाजे के पास से आया और अपनी चार पाई पर लेट गया, आँख खोल के लेट गया, देख रहा हूँ सब। चोर धीरे से आया, जहाँ बड़ा वाला पोटली सामान का रखा था वहाँ आया, बड़े वाले पोटली को भी उठाया। अब उसको तो पता है कि कोई देख नहीं रहा है, पर मैं तो रहा था जाग, मैं तो रहा था सब कुछ देख, अरे मुझे तो सब कुछ था पता। चोर बन रहा था बेवकूफ कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा है। अब धीरे से वो सारा सामान समेटा और जेवर की पोटली भी समेटा और धीरे धीरे मेरे घर से बाहर जाने लगा। वो जा रहा है मैं देख रहा हूँ, वो जा रहा है मैं देख रहा हूँ, वो जा रहा है मैं देख रहा हूँ, फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। चोर जिस दरवाजे से आया था उसी दरवाजे से बाहर चला गया। मैं तो भैया सब कुछ रहा था देख, चोर चला गया, मैं भी चुपचाप सो गया। सुबह हुई और जैसे ही सुबह हुआ कि बीवी का हल्ला मचाना शुरू, हाय मैं तो लुट गई, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, हाय तो मैं तो तबाह हो गई, हाय तो मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, हाय मैं तो बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी, कैसे जियूंगी, हल्ला लगी मचाने। अब मैं तो भैया ये किनारे खड़ा होके मस्ती में मुस्कुरा रहा था क्योंकि मुझको तो सब था पता। अब बीवी ने जब मुझको मुस्कुराते हुए देखा तो पास आई और गुस्से में बोले, लो तुम यहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो, तुमको मस्ती सूझ रही है, यहाँ घर का सारा सामान गायब हो गया, सारे कीमती सामान चले गए। अरे घर के सामान गए तो गए, मेरे जेवर भी चले गए और तुम हंस रहे मुस्कुरा रहे हो। मैंने कहा भगवान मुझे सब पता है क्या हुआ। पत्नी बोली, पता है क्या पता है? मुझे पता है रात में चोर घुसा था, कमरे में आया था, घर का सामान समेटा था, वो समेट रहा था मैं देख रहा था, वो समेट रहा था मैं देख रहा था, वो समेट रहा था मैं देख रहा था, फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। बीवी का पारा गरम, उसने उठाया झाड़ू और झाड़ू उठा के बहुत मारा, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत देखो, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। नमस्कार, ये कॉमेडी वीडियो अगर आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के द्वारा मेरा भी मनोबल बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि मैं और भी इसी तरीके से कॉमेडी आप तक भेजता रहूं। और जब तक अगली वीडियो आप तक नहीं पहुंचती है, तब तक के लिए।